चैनल टाइम्स एस फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज रियली अमेजिंग, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती रहती हूँ। चीप किया है और बहुत चीपेस्ट प्रोडक्ट में मैंने अचीव किया है। बहुत 120-130 रुपीज़ के सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सारे नहीं, 130-120 इस तरीके से। बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मैंने किया है। सो मुझे तो ये लुक बहुत प्यारा लग रहा है और दिस इज़ माई रियल मेकअप लुक, रियल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो आप देख सकते हैं, और इसको गर्ल्स भी कैरी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कैरी कर सकते हैं, जिसको सिंपल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, बट थोड़ा बहुत ठीक ठाक मेकअप करना है। सो ये मेरा रियल वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है और मैंने कैसे किया है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट। स्टार्ट कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र से। और मेकअप करने से पहले हमें मॉइस्चराइज़र अपने फेस को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी आप लेयर्स लगाते हो उनसे प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। तो यहाँ मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, फिर प्राइमर लगा लिया है ब्लू हेवन का, फिर मैंने लगाया है यहाँ पे इनसाइड मार्स का फाउंडेशन, और ये 129 में आपको मिल जाएगा। ब्लू हेवन का जो प्राइमर लगाया है वो भी 150 रुपीज़ का होगा। यहाँ मैंने मार्स का लिया है कंसीलर, और जब आप आईज़ पे इसको अप्लाई करते हो तो आई का मेकअप बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ये भी 129 में मुझे रिसीव हुआ है, मैं इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ली है रेवोल्यूशन की पैलेट, और इसमें से मैंने न्यूट कलर लिया है, और मैं क्रीज लाइन के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी, क्रीज लाइन पे ही अप्लाई करूँगी, क्रीज लाइन के ऊपर नहीं। फिर मैंने अच्छे से इसको न्यूट कलर को अप्लाई किया, और मैं यहाँ पे पिंक कलर आज मेकअप करने वाली हूँ, और स्विस ब्यूटी की पैलेट से मैंने इसको लिया है। स्विस ब्यूटी की जो पैलेट होती है वो भी बहुत अफोर्डेबल ही होती है। तो यहाँ मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पे मैं लगा रही हूँ, और मैंने एक डार्कर शेड लिया है वो मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ग्लिटर, जैसे कि आप देख सकते हो, और वो मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है काजल, और ये मैंने मीशो ऐप से काजल मंगाया था, तो मुझे 130 में 2 मिल गए थे, तो ये बहुत अफोर्डेबल काजल है। आपके पास कोई भी काजल हो आप अप्लाई कर सकते हो, सॉरी लाइनर अप्लाई कर सकते हो। और सबसे मेन पार्ट होता है आपका ब्रोज, आईब्रोज ज़रूर फिल करना, आप डिफरेंसेस देख सकते हो। तो कितना प्यारी आईब्रोज लग रही हो, मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं उसका आंसर भी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने फिर से मार्स का लिया है, जैसे कि देख सकते हो क्यूटी यहाँ पे आ गया है, और मैं हाईलाइट पॉइंट पे इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि जितने भी डार्क सर्कल हैं, वैसे मेरे डार्क सर्कल है नहीं, जो भी आपके स्पॉट्स हैं वो हाइड हो जाएं प्रॉपरली। और फिर मैंने उसके बाद अप्लाई कर लिया था फाउंडेशन, जो कि क्लिप नहीं इसमें ऐड हो पाई है। उसके बाद मैंने एक जो शेड मैंने ऊपर अप्लाई किया था आईज़ पे, लिड एरिया पे, वही मैंने लॉर्ड लेसेस लाइन पे अप्लाई करूँगी, ताकि थोड़ा सा जो आई मेकअप है वाइट दिखे, बहुत प्यारा दिखे। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, जो बेला वोस्टा का है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे, अपने फेस को कट करेंगे, और जिसका थोड़ा हैवी फेस होता है उसको कट ज़रूरी है, ताकि आपका फेस जो है ना शेप में आ जाता है। और आप देख सकते हो मेरे स्वेटर पे, मेरे टी शर्ट पे ये कितना गिर रहा है, और मेरे को बिल्कुल भी होश नहीं है कि कितना सारा पाउडर मैंने यहाँ पे गिरा दिया और उसको साफ़ भी नहीं किया। तो जब आप मेरे इंस्टा की रील देखेंगे तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा। फिर मैं यहाँ पे एक ब्रश की हेल्प से इसको मैं कर लूँगी। मैंने यहाँ पे पाउडर भी लिया है, लूज पाउडर लिया है, और मैंने कट क्रीज को एक सेम अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो मेरा तो चबी फेस है, थोड़ी ज़्यादा मोटापा आ गया है मेरे फेस पे, अभी तो नहीं है, पहले बहुत था। तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। और हाँ, आपने मेरा हॉल नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ मैंने एक माई ग्लैम की लिपस्टिक ली है, और इसको मैं ब्लश एज अ ब्लश यूज करूँगी। गाइस, ये बहुत प्यारा ब्लश निकल गया है, जब मैंने अच्छे से ब्लश किया तो मैंने यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे पिंकीज हो चुके हैं चिक। सो जितने जिन लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग और वीडियो नहीं देखा है, सो गो एंड चेकआउट, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर लगा रही हूँ, और ये भी बहुत अफोर्डेबल होता है, आपको पता ही है। सो ये मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मेकअप करके दिखाया है, 129, 100,
और ये काजल उसी के साथ आया था। मैं बोल रही थी ना, 2 काजल और 2 लाइनर मुझे 131 रुपीज़ में मुझे रिसीव हुए थे। अब मैंने यहाँ पे पहन लिए हैं अपने लेसेस, लेस ऑलरेडी पहन ही लिए थे, और ये पैक के लेंसेज मैंने दोबारा से लेंस मैंने परचेस किया, और ये इन साइड की लिपस्टिक है, और ये मुझे 90 रुपीज़ की मिली है। सो आपने रिव्यू देख ही लिया है, मैंने इन शॉर्ट पर डाल ही दिया है, तो आप देख लीजिएगा। बहुत प्यारी लिपस्टिक है गाइज, आई लव दिस शेड एंड लिपस्टिक, आई लव। और ये मैंने मीशो से ज्वेलरी ली है, तो मैं जल्दी से ज्वेलरी हॉल लेके आऊँगी, और ज्वेलरी हॉल इसके बाद ही आएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ज्वेलरी पहन ली है, और ये मुझे मात्र और मात्र 130-135 में ही मुझे रिसीव हुई थी। सो यहाँ लगभग मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने ज्वेलरी मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी है, तो मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही थी। ये है गर्ल्स लुक, यू नो, और थोड़ा अगर लेडीज़ अगर ये लुक ट्राई करना चाहते हैं तो बिंदी और चूड़ियाँ के साथ उसको भी ट्राई कर सकते हैं। सो मैंने बिंदी भी लगा ली है, फाइनली चूड़ियाँ भी पहन ली है। सो फाइनली लुक हैज़ डन, कैसा लगा मेरा मेकअप सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत जल्दी वाला मेकअप है और बहुत अफोर्डेबल है, सो इसको वन ब्रांड मेकअप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर स्विस ब्यूटी के और मार्स के भी अप्लाई किए हैं। मार्स बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट होते हैं, सो आप इजी गोइंग उसको परचेस कर सकते हैं, पर्पल से, नायका से, अमेजोन से, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत अच्छे होते हैं। सो अगर आपको ये सब पसंद आया तो मेक श्योर। कैसा लगा मेकअप? आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेकअप पसंद आया होगा, ये मेकअप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताया, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं रील्स वगैरह देखने के लिए। सो दिस इज़ वेरी सिंपल मेकअप, मैं बोलती हूँ आपको।